ओके, अब हमने वो पीरियोडिक टेबल को कैसे याद रखते हो तो सीख लिया। एक चीज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के थोड़ी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं। फर्स्ट थिंग्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसके बेसिस पे बने थे सारे बच्चों? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक नंबर, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो फिक्स होता है, भी 11 के बाद 12 ही आएगा, कभी 11 के बाद 11.5 नहीं आएगा। इसलिए यदि 1 और 3 के बीच में 2 नंबर का एटॉमिक नंबर खाली है, इसका हम मीनिंग हमें पता चल जाना चाहिए कि ये 2 नंबर का एलिमेंट्स आ सकता है। इसके अंदर 2 प्रोटॉन्स है, 2 प्रोटॉन्स है इसलिए वो नॉन रिएक्टिव होगा, गैसेस होगा। इससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं बच्चों। बाद में मैंने पीरियोडिक टेबल्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी। अब उसके अंदर जो ऐसे खड़े होते हैं ऐसे, वो अभी जो हमने याद रखे जो, उसको हम कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉलम। तो जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उसको हम उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं बच्चों? ग्रुप। ऐसे टोटल 18 कॉलम है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 से लेके यहाँ लास्ट में 18 है बच्चों। हेलो, ओके। और इसके अंदर रो भी है जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पीरियड्स। ओके, जिसको रो, जैसे यहाँ पीरियड्स है 1 2 3 4 5 6 7, समझ में आया बच्चों? हेलो, 1 2 3, ओके। आपको काफी बार ऐसा लगेगा कि सर ये 6 और 7 नंबर का क्या है, तो एक्चुअली क्या है, यहाँ से आप देखोगे ना तो 56 के बाद डायरेक्टली देख लो, 57 के बाद डायरेक्ट 72 आ गया यहाँ। तो इसके बीच के 57 से लेके 72 के बीच के जितने भी एलिमेंट्स थे पहले फाइंड नहीं हुए थे, और जब फाइंड हुए तब उसका क्या कर लिया हमने, उसको अलग से एक एलिमेंट्स और एक ब्लॉक्स बना लिया, बाद में अरेंज कर दिया। पहले इतना ही था, ऊपर जो है ना वही था, बाद में उसको अलग से बना देते। ओके, क्योंकि वो लास्ट में फाइंड हुआ था बच्चों। तो ये पीरियड्स और ग्रुप में समझ में आ गया, वर्टिकल ग्रुप और हॉरिजॉन्टल पीरियड। टोटल 18 ग्रुप होते हैं और 7 पीरियड्स होता है। इसमें कोई डाउट इस स्टेटमेंट में बच्चों? नो सर। ओके, अब ग्रुप क्या होता है कि ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होगा। कैसे? यहाँ देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 1, तो बाहर की ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। अब यहाँ ऊपर लिखा है वो 3, तो एटॉमिक नंबर 3 है तो 2 1, बाहर की ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम का 11, 2 8 1, बाहर की ऑर्बिट में 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये 19, 2 8 8 1, समझ में आया बच्चों? फर्स्ट ग्रुप के अंदर सभी जितने भी एलिमेंट्स है उस सभी एलिमेंट्स के बाहर की ऑर्बिट में आए हुए नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, उसका नंबर सेम होता है बच्चों। जैसे फ्लोरीन ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स है उस सभी के बाहर एलिमेंट्स के अंदर एटॉमिक सॉरी वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हो गए वो 7 हो गए। डाउट किसी को बच्चों ग्रुप के अंदर? नेक्स्ट सेशन में आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि ऊपर से नीचे जाएंगे तो ग्रुप के अंदर क्या क्या चेंज होता है, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, जिसको हम ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियडिक टेबल्स बोलते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट सेशन में समझाऊंगा। ओके, पीरियड। अब पीरियड में क्या होगा कि नंबर्स ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज बाय 1 यूनिट एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 यूनिट ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, एक 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 इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। देखो यहाँ आप देखोगे, यहाँ ध्यान रखना बच्चों कि 19 से 20, 20 से 21, 22 ऐसे एक 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 इलेक्ट्रॉन पीरियड में बढ़ रहे हैं। देख लो, कोई भी पीरियड में देखोगे ऐसा ही बढ़ रहे हैं सीक्वेंस में। यहाँ से देखो 5 6 7 8, हाँ कि ना बच्चों? तो लेफ्ट से राइट साइड जाओगे तो एक एक एलिमेंट्स क्या होता जाएगा बच्चों? बढ़ता जाएगा, एक एक नंबर्स एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा। विदाउट किसी को पीरियड्स के अंदर? नो सर। अब एडवांटेज क्या है इस एटॉमिक मासेस के, क्योंकि एटॉमिक मास में तो प्रॉब्लम्स था, तो एटॉमिक नंबर में क्या एडवांटेज है कि प्रेडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स कुड बी मेड विद मोर प्रिसीजन व्हेन द एलिमेंट्स वर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। कि जब हम कोई भी एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के जरिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तब हमारे लिए उसका जो प्रॉपर्टी जो एक्चुअली फाइंड नहीं हुए है और उसका जो प्रेडिक्शन करना है वो हमारे लिए थोड़ा और ज्यादा इजी हो जाएगा बच्चों। कुड मेड बी मोर प्रिसीजन, समझ में आया बच्चों? ओके, क्यों बोलो? चलो कि यदि मेरे पास एटॉमिक नंबर है, समझ लो हीलियम का 4 और लिथियम का एटॉमिक नंबर है 6 या 5.6 जैसा कुछ होता है, नियर अबाउट जो भी हो 5.9, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम।
अब मुझे पता तो चलेगा ही नहीं इनके बीच में 4.1 आएगा, 4.2 आएगा, 5.1 आएगा, 4.5 आएगा, बहुत सारे एटॉमिक मासिस आ सकते हैं, लेकिन एटॉमिक नंबर में फिक्स ही है, क्योंकि मैंने बता दिया हीलियम का और लिथियम का, हीलियम का 4 है, लिथियम का 5, तो कभी भी कोई भी एटॉमिक नंबर आने के कोई चांसेस ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं? प्रिडिक्शन बहुत अच्छे से हो गया। दूसरा समझ लो कि एग्जाम्पल फॉर हीलियम, लिथियम और बेरिलियम को ले लेते हैं, तो समझ लो बेरिलियम का हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कुछ नियर अबाउट 9 है, एग्जैक्टली नहीं अभी रेंडम बता रहा हूँ, और बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 5। तो यहाँ देखो 5, 6, 7, 8 बहुत सारे नंबर्स एटॉमिक मास आ सकते हैं, पॉइंट में भी आ सकते हैं, मास की भी आता है। सर आपने नीचे लिखा बेरिलियम का 5, बेरिलियम का 5 थोड़ी, सॉरी सॉरी 2 और 4। ओके, तो यहाँ एटॉमिक नंबर की यदि बात करूँ बच्चों, एटॉमिक नंबर की, तो 2 और 4 के बीच में फिक्स ही है, 3 नंबर का एटॉमिक मास आएगा, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन तो लूज करेंगे, पॉजिटिव आयन बनेगा, मेटल जैसी प्रॉपर्टी होगी, तो हमें सब कुछ उसके बारे में पता चल गया, बस खाली उसका क्या, उसको ढूंढ निकालना ईजी रहा। अब समझ लो कोई एक छोटा सा बच्चा गुम हो गया, लेकिन आपको पता ही नहीं वो कैसा दिखता है, तो कोई ढूंढ पाओगे? मैंने एग्जाम्पल दिया था ना आपको ऐसा ही, कोई चीज गुम हो गई है लेकिन क्या गुम हो गई वो पता होगा तो हम उसको ढूंढ पाएंगे, पता ही नहीं है क्या गुम हो गया तो कैसे उसको ढूंढ पाएंगे? कोई भी चीज, किसी भी चीज को उठा के आपके पास सामने ले आएगा, ले ये है ये थी, तो आप बोलोगे ना ये नहीं। समझ में आया कि नहीं बच्चों? लेकिन यहाँ देखो हीलियम और बेरिलियम के बाद बीच में फिक्स ही है लिथियम, 3 एटॉमिक, ये एक ही एलिमेंट हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी इतनी सारी है जो हमें प्रिडिक्शन में इजी रहता है। बच्चों डन? अब मेरिट ऑफ पीरियडिक टेबल्स, तो एक तो उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी कि एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर के बेसिस पे उसको क्लासिफाई किया, सबसे बड़ा उसका मेरिट था, एडवांटेज था। दूसरा कि रीजन फॉर प्लेसिंग द आइसोटोप एट वन प्लेस इज जस्टिफाइड एज ए क्लासिफिकेशन ऑफ द, उसने क्या किया था, जितने भी आइसोटोप थे उसको एज यूजुअल एक ही के अंदर रखा, इस आइसोटोप का कोई जगह नहीं लग रखी, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। ओके, तो ये भी एक जस्टिफाइड रीजन था उसके एडवांटेज में। जैसे कि समझ लो ये आइसोटोप के बारे में अभी थोड़ा आपको डिटेल में नहीं पता होगा, लेकिन जैसे आएगा तब क्लियर होगा ये क्या चीज़ है आइसोटोप। कि हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के आइसोटोप होते हैं ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो उसको कोई अलग से जगह नहीं मिली। समझ में आया? क्योंकि उसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, तो जितने भी एटॉमिक नंबर 1 है उन लोगों को फिक्स कर दिया यहाँ। ओके, आइसोटोप के लिए कोई अलग से जगह नहीं, क्योंकि हर एक के आइसोटोप्स हो गए और सभी के आइसोटोप्स को इस टेबल में ऐड करने बैठे तो टेबल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, इसलिए आइसोटोप्स के भी एक अलग से पोजीशन मिल गई थी। दूसरी, इट एक्सप्लेन द पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एंड रिलेट देम टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाल पाते थे हम। देखो लिथियम है तो पता चला 3 है तो 2, 1, समझ में आया ना? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आपको पता ही होगा शायद, साइंस अंदर में सीख चुके हो। सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है तो 2, 8, 1, तो ऐसे हम क्या कर पाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकाल पाए। दूसरा, लेंथेसाइड एंड एक्टिसाइड आर प्लेस सेपरेटली द बॉटम, ये जब फाइंड हुए ये दोनों, तब उसको क्या कर दिया, नीचे अलग से ही जगह दे दी, देख लो। ओके, उसको भी समा लिया। ओके, तो ये भी एक पीरियोडिक टेबल, वैसे उसको तो डीमेरिट भी बोल सकते कि उसको अलग जगह मिला, प्रॉपर जगह नहीं मिली थी अलग से। ऐसा तो कोई भी फाइंड कर, कोई भी किसी को भी अरेंज कर सकता है, तो फिर भी यहाँ मेरिट्स के अंदर लिखा है इसलिए हम मेरिट मानेंगे। देखो लिखा है ना डीमेरिट के अंदर, ये रहा कि लेंथेसाइड एक्टिसाइड हैव नॉट बीन प्लेस्ड इन द मेन बॉडी ऑफ द टेबल, उसके मेन बॉडी में जगह नहीं मिली थी। और दूसरा हाइड्रोजन की, वो तो मैंने बताया था, हाइड्रोजन का तो हर एक के अंदर डाल दो, कि हाइड्रोजन की कोई भी पोजीशन अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पाए। अब देखोगे तो हाइड्रोजन देखो यहाँ ऊपर है जहाँ कोई नहीं है। ओके, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो अभी भी हमने ऐसे रख दिया यहाँ, बाकी उसकी एक्चुअल पोजीशन यहाँ नहीं है। डन बच्चों? कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट स्टिल एक्सिस्ट्स एंड इसको मेन बॉडी के अंदर जगह नहीं मिली। ओके, मेन बॉडी यानी कि ये मेन बॉडी है, ये मेन बॉडी। ओके, उसको अलग से यहाँ नीचे बिठा दिया अलग से। डन बच्चों? किसी को कोई डाउट? सर ये जो थे ना मेंडेलिक, तो उन्होंने भी तो आइसोटोप्स के लिए जगह नहीं रखी थी, तो उसको तो एक ड्रॉबैक माना गया था, लेकिन उस टाइम पे इसको ऐसे ही ड्रॉबैक नहीं है समझ लो, ये
उस टाइप ने उसने जगह रखी थी। देखो उसने क्या किया था, समटाइम्स ऐसे यहाँ देखो क्या कर दिया था, भाई ऐसे जगह रखी थी तो उसने आइसोटोप्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया था, वो बता रहा था मैं। जगह का इश्यू नहीं था, उसने जगह नहीं रखी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पहले उसको वो तो बताना चाहिए भाई आइसोटोप जैसी कोई चीज होती है। समझ में आया कि नहीं? जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिला भाई आइसोटोप्स है लेकिन उसको कोई जगह नहीं मिलेगी, वो फिक्स कर दिया। और मेंडलीफ के अंदर क्या था कि भाई आइसोटोप जैसी कोई चीज को उसने माना ही नहीं था, उसने यहाँ एटलीस्ट उसने माना तो सही, भले उसको जगह नहीं दी लेकिन माना तो सही। ओके यस, तो ये थे सारे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम ट्रेंड को समझेंगे, लेकिन आज के लिए बस बच्चों इतना रखते। इसकी पीडीएफ फाइल में अभी मैं भेज रहा हूँ, आपको होमवर्क में लर्न भी करना है और वन टाइम लिख भी देना है बच्चों। ओके Yes, चलो बाय बच्चों। Yes, आपका दूसरा लेक्चर इसलिए अभी इतना रखते हैं लेक्चर्स।